जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रियाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट लाइन, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले इन दो स्मार्टफोन के कंपेयर करके बताता हूं। देखिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, जो कि सैमसंग का M35 अच्छा स्मार्टफोन है, भरोसा कर सकते हैं। सैमसंग के स्मार्टफोन ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। बात करता हूँ दूसरा स्मार्टफोन तो IQ9 लाइट है, ये भी स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका, तो इसकी दोनों की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो बेहतर है और प्राइस के हिसाब से भी कम ज़्यादा बहुत है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कौन सा बेहतर है। क्या IQ9 सैमसंग का M35 से बेहतर है, जो कि सिर्फ 10,000 रुपये के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। 4GB रैम वाला 10,999 रुपये की प्राइस में, 6GB रैम वाला काफ़ी सस्ता स्मार्टफोन है। वहीं अगर बात करें सैमसंग के फ़ोन की तो ये थोड़ा सा महंगा, यानी 14,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा 14,999 रुपये की प्राइस में। तो भाई देखता हूँ क्या कितना फ़र्क है दोनों में, वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले तो सैमसंग में आपको मिलता है सैमसंग एक्सिनोस का 1380 का चिपसेट, जो कि ठीक है, गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, बेहतर ठीक ठाक मिल जाता है। इसके अलावा एंड्रॉइड भी 14 पे काम करता है, इसमें डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 6.6 इंच की, 1080x2400 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली फुल HD प्लस गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है विक्टर्स प्लस का, तो डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन है इसकी, जो कि M35 है। वहीं अगर हम बात करें अब IQ9 लाइट के बारे में, मीडिया टेक का डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है 6300 का, ठीक ठाक है प्रोसेसर, गेमिंग वगैरह हल्के फुल्के किए जा सकते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, 6.56 इंच की यानी छोटी डिस्प्ले मिलती है, वो भी LCD मिलती है, IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जो कि HD प्लस ही है, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाली, 720x1600 पिक्सल रिजोल्यूशन वाली, 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और प्रोटेक्शन नहीं मिलता इसमें, विजुअल रिस्पॉन्स कंट्रोल डिस्प्ले। भाई इस प्राइस में इसी तरह की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी अंतर है, ये सिर्फ 9,999 रुपये से स्टार्टिंग है इसकी, 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले की, अच्छा स्मार्टफोन IQ का, एक जो यूज़र डेली यूज के लिए एक ठीक ठाक स्मार्टफोन है, सिर्फ सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है स्मार्टफोन है, आप खरीदना चाहें तो ये भी स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है। दोनों के कंपेयर में मैं बता रहा था। कैमराज की बात करें तो IQ9 लाइट में आपको कैमरा जो मिलते हैं, डुअल रियर सेटअप कैमरा मिलेगा, 50MP का जो है मेन अच्छा लेंस मिल जाता है, सोनी का OIS कैमरा लेंस आपको बताया गया देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें एक और कैमरे की, 2MP का आपको मिलता है देखने को, सामने तक की तरफ अगर बात करें तो 8MP का एक लेंस मिल जाता है HD प्लस। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है और 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग अच्छी बैटरी, सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है। अब बात करते हैं सैमसंग के M35 के बारे में, तो उसमें आपको मिलता है कैमरा 3 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, मैन 50MP का 8 अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 2MP का एक माइक्रो लेंस भी मिल जाता है आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में, और 50MP का जो मैन कैमरा है वो अच्छा OIS बेहतरीन कैमरा लेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। सामने की तरफ अगर बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला 13MP का लेंस आपको सामने की तरफ देखने मिलेगा, जो कि HD वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग को कम से कम 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन चाहिए था, लेकिन फास्ट स्पीड से अगर चार्ज होता है तो ये भी ठीक ठाक है। इससे कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, तो भाई डेली यूज के लिए मुझे सबसे बेहतरीन IQ9 लाइट लगता है, जो कि आप खरीद सकते हैं एक ठीक ठाक स्मार्टफोन, यानी प्राइस के हिसाब से काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेगा, डेली यूज सोशल मीडिया यूट्यूब के लिए बेहतरीन है, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, डेली यूज के लिए कॉलिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन। वहीं अगर थोड़ा सा बेहतर स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं तो ये जो है सैमसंग का भरोसेमंद कंपनी, भाई क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता, सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन है, प्राइस 14,999 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाएगा, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, 1TB तक स्टोरेज को बढ़ाया भी जा सकता है, कैमराज अच्छे मिल जाते हैं, बैटरी ठीक ठाक मिल जाती है, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में इस प्राइस में आपको अच्छे लेंस सब कुछ ठीक ठाक आपको मिल रहा है। इस वक्त का अगर परफेक्ट स्मार्टफोन कहें जो 15,000 रुपये के आसपास, यानी 15,000 रुपये के अंदर है, तो वो M35 है, इसे आप खरीद सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M35। कमेंट खुला कुछ भी कहें लिख सकते हैं। थैंक दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।